हेलो गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम आपको एक नया लेसन पढ़ाएंगे जिसका नाम है लेसन 16 ह्यूमन रिसोर्सेस। ये ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं बच्चों? ह्यूमन का मतलब है जो मैन और वुमन, मैन और विमेन जो है, जो जीवित है उनको हम कहते हैं ह्यूमन, ह्यूमन बीइंग। ठीक है, जो मनुष्य मात्र है उसको ह्यूमन बीइंग कहा जाता है। अब रिसोर्स मतलब कितने व्यक्ति ऐसे हैं, कितनी पॉपुलेशन ऐसी है जो काम कर सकती है, वो हमारे रिसोर्स से जोड़ाते हैं। तो इसमें बच्चों क्या था, ह्यूमन रिसोर्सेज में जो आप सबसे पहले पढ़ेंगे वो चीज है पॉपुलेशन। आपको पता है हर समय जब हमारे प्रधानमंत्री भाषण देते हैं तो 1.25 करोड़, वो अक्सर 1.25 करोड़ बोलते हैं। ये हमारी पॉपुलेशन है 1.25 करोड़। अब बच्चों आपको पता है भारत की पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है? चाइना के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारे भारत की है। यहाँ पर ऐसा क्यों है? पहली बात तो ये है कि यहाँ पर धार्मिक प्रवृत्ति के लोग, जो रिलीजियस टाइप के होते हैं, वो रहते हैं और हर जाति के रहते हैं। किसी किसी में ऐसा होता है, लोग मानते हैं कि जितने बच्चे हो उतना अच्छा है। खासकर ऐसे लोग, एक ऐसा तबका आता है जिनको लगता है कि हमारे जितने बच्चे होंगे उतने कमाएंगे, उतने हाथ होंगे हमारे पास काम करने के, और जिससे हमारे पास उसके अकॉर्डिंग जो पैसा है, वो कमाई है, वो ज्यादा होगी। ठीक है, हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है हमारी जो प्लेन्स है ऊपर। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों है बच्चों? क्योंकि यहाँ की जमीन उपजाऊ है, बहुत उपजाऊ है, और यहाँ पर खेती करने से पानी की व्यवस्था भी है अच्छी, नदियां बहती हैं सारी, मिट्टी अच्छी है। तो जब पानी हो, मिट्टी हो और कई हाथ हो, कई लोग हो घर में, तो खेती जो है वो अच्छी होती है, फसल अच्छी होती है और लोग खुशहाल रहते हैं। इसीलिए इन भागों में जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है। फिर अबाउट जस्ट अपोजिट टू दैट हमारा जो राजस्थान है, यहाँ का काफी एरिया, जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर में तो खैर अब पानी आने लगा है, इतनी व्यवस्था हो गई है, नर्मदा नहर भी आ गई होगी। तो क्या है, यहाँ पर बहुत ज्यादा रेत है, पानी की भी उतनी व्यवस्था नहीं है, नदियां बहती नहीं है यहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ मिनरल्स तो बहुत होते हैं लेकिन खेती होनी कम होती है, जिसकी वजह से जो हमारा राजस्थान है उसकी पॉपुलेशन इधर तो ज्यादा है, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, इधर तो ज्यादा है। अब तो बीकानेर में भी हो गया इंदिरा गांधी नहर आने से, लेकिन इधर चले जाइए बाड़मेर, जैसलमेर इस तरफ, तो पॉपुलेशन स्कैंटी हो जाती है क्योंकि यहाँ पर पानी की प्रॉब्लम है। तो अब हम आपको एक चीज बताएंगे ह्यूमन रिसोर्सेज में कि जो पॉपुलेशन है, ये वाली बुक पढ़ा रही हूँ मैं, कि ये जो पॉपुलेशन है ये कैसे बढ़ती है। ठीक है, और ये सिर्फ इंडिया की पॉपुलेशन नहीं है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात हो रही है। देखो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो एशियन कंटिनेंट में है, उसके बाद यूरोप, अमेरिका, इस तरह धीरे धीरे करके ये जो
पॉपुलेशन है ये होती जाती है। कुछ कंट्री ऐसी हैं जहां पर इतना ज्यादा बर्फ पड़ती है कि वहां पर रहना दुश्वार होता है, तो वहां पर जो पॉपुलेशन है वो उसके अनुसार कम होती है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि सारी ऋतु में पाई जाती हैं, इसीलिए पॉपुलेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। सबसे ज्यादा जो डेंसिटी है, मतलब कहाँ पर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो वो हमारे इंडिया में। अब देखो, आपको फैक्टर्स कुछ बताए जाएंगे कि पॉपुलेशन क्यों बढ़ती है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जहाँ पर अच्छी एग्रीकल्चर है, ट्रांसपोर्ट अच्छा है, ठीक है, और जहाँ पर लोगों का सेटलमेंट अच्छा है, पानी मिल रहा है, आने जाने की सुविधा हो रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चांसेस हैं, वहाँ पर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। इसमें कहाँ आती है सबसे पहले? चाइना, चाइना के बाद जापान, चाइना और जापान में डेवलपमेंट बहुत है, उसके बाद इंडिया और बांग्लादेश, ये एक तक कहा गया है इसको, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा है, फिर यूरोप, फिर ईस्टर्न यूएस, ये सारे के सारे प्लेन्स में है, ये जितनी भी कंट्री है ना यहाँ पर बहुत प्लेन है, तो इसकी वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज्यादा है। अब आती है बात क्लाइमेट की। चाइना, जापान, वियतनाम, बांग्लादेश, इंडिया, है ना, यहाँ की ऐसी है क्लाइमेट कि यहाँ पर डेजर्ट भी है, हॉट डेजर्ट है, और इसके अलावा यहाँ पर नदियाँ भी हैं। लेकिन नॉर्थ पोल में चले जाएंगे आप तो वहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन है, क्योंकि वहां पर बर्फ ही बर्फ है। उसके बाद मिट्टी की बात आती है, जो भोजन है हमको मिट्टी से मिलता है, तो जहाँ हम खेती कर सकते हैं, जहाँ की जमीन उपजाऊ होती है। अपने यहाँ हमने आपको गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदी बहुत उपजाऊ मानी जाती है, इसी तरह चाइना में हांगो नदी है, इजिप्ट में नील नदी है जिसको नाइल भी कहते हैं, उसके किनारे आपको बहुत पॉपुलेशन मिल जाए। फिर जिन देशों में वाटर सप्लाई अच्छी होती है, ठीक है, क्योंकि जो वाटर है वो बेसिक नीड है हमारी, है ना, पानी बहुत जरूरी है, तो वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। मिनरल्स जहाँ पाए जाते हैं, अगर खेती नहीं कर सकते तो मिनरल्स तो होने चाहिए, अगर मिनरल्स हैं तो जैसे यूरोप है, अमेरिका है, यहाँ मिनरल्स बहुत होते हैं, तो यहाँ पर भी पॉपुलेशन ज्यादा होती है। और देखो बेटा, जैसे स्विट्जरलैंड है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, ये ऐसी कंट्रीज हैं, फॉरेन कंट्रीज, जहाँ पर पैसा बहुत है, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन है, प्लस जहाँ पर लोग हेल्दी रहते हैं, डॉक्टर्स की सुविधा है, मेडिसिंस मिल जाती हैं, क्लाइमेट अच्छी होती है ना, और जैसे ऐसी जगह जैसे वाराणसी है, ठीक है, वहाँ पर आपको पता है कि वाराणसी में क्योंकि धार्मिक स्थान है तो पॉपुलेशन नेचुरल है, ज़्यादा होगी। इसी से जो जैरूशलम है, जहाँ ईसा मसीह बॉर्न हुए थे, वहाँ की पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगी। वेटिकन सिटी है, वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। तो उन सब जगह जहाँ की कल्चरल फैक्टर्स है, ठीक है, वहाँ की पॉपुलेशन अपने आप ही ज़्यादा हो जाती है। लेकिन आजकल क्या है कि जो पॉपुलेशन है वो माइग्रेट करती है यहाँ से वहाँ, जहाँ इनको अच्छा डेवलपमेंट दिखाई देता है, अच्छा पैसा दिखाई देता है, जैसे गांव से शहर में लोग आते हैं, इसी तरह शहर से विदेश में भी जाते हैं ना, और इस तरह जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जाती है। फिर बर्थ रेट पैदा ज़्यादा होते हैं, दवाइयों वगैरह की इतनी सुविधा है कि मरते बहुत कम हों, तो इस तरह की जो पॉपुलेशन है ये बढ़ती चली जाती है। अब देखो बच्चों, इसमें हम आपको एक चीज बता दें जो थोड़ा सा बाकी रह गया है कि जो आजकल हमारे देश में
पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल चल रहा है, क्योंकि अगर इस तरह बढ़ती रही तो भारत को रहने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। और फिर दूसरे जो लोग बाहर से आते हैं माइग्रेंट होकर के जबरदस्ती यहाँ रह रहे हैं, जो कि भागते भी हैं यहाँ से क्योंकि उनको यहाँ हर तरह की सुविधा मिलती है। और उनकी वजह से जैसे कि बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, म्यांमार से आए हुए लोग हैं, कुछ ऐसी हैं रोहिंग्या है जो कि जबरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं और फिर यहाँ पर आकर के देश को ये मतलब विकास में तो सहयोग नहीं देते लेकिन पॉपुलेशन बढ़ाने में सहयोग देते और उसके बाद में ये सिरदर्द बनते हैं। तो ऐसे लोग जिनका उद्देश्य सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ाना है और जबरदस्ती यहाँ आके रहना है, तो उनकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो भी बढ़ती है। इसीलिए आजकल आप देखिए जितने भी देश हैं सब जो है वो ज्यादातर विदेशियों के आने पर रोक लगा रहे हैं। लगभग हर देश में जो नियम है वो कड़े होते जा रहे हैं, पहले ही होते थे, अब नियम जो है वो कड़े होते जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी देश नहीं चाहता, हर देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है, कोई नहीं चाहता कि दूसरे देश से हमारे यहाँ लोग आए और हमारे यहाँ की पॉपुलेशन को बढ़ाए। ठीक है, तो इस तरह की जो पॉपुलेशन है, ये ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ये बढ़े हैं वर्ल्ड में। इनके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये तो मैं आपको कल बताऊंगी, आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर बताने जा रही हूँ उस लेसन के जो लेसन आपने पढ़ा था इसके पहले, लेसन 8। हम लेसन 8 से शुरू करेंगे क्वेश्चन आंसर बताने। तो जरा लेसन 8 खोलिए, पेज 60 खोला आपने। अब इसके आप क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन एमसीक्यू है, अगर आपने किया होगा तो आप उसको मिला लीजिए, है ना, ठीक किया है कि नहीं। पेज 67 ओपन करिए, फर्स्ट क्वेश्चन था राजा राम मोहन राय स्टार्टेड द जर्नल, मतलब एक पेपर था और उसका नाम था ब्रह्मो समाज, सी पर निशान लगा लीजिए। इसी तरह नंबर 2 जो क्वेश्चन है उसमें ए पे निशान लगाइए, लॉर्ड डलहौजी। थर्ड क्वेश्चन जो विडो मैरिज थी, इसका जो एक्ट था कैसे पास हुआ था, किसने फंड किया था, थर्ड क्वेश्चन में बी पर निशान लगाइए, ईश्वरचंद विद्यासागर। फोर्थ क्वेश्चन प्रार्थना सभा, ये भी बी है, जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे, इन्होंने प्रार्थना सभा स्टार्ट की थी। एक बुक थी जिसका नाम था गुलामगिरी, ये किसने लिखी थी, ज्योतिबा फुले, तो निशान लगा लीजिए ज्योतिबा फुले। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन है वॉज फाउंडेड बाय सर सैयद अहमद खान, यहाँ पर लिखिए आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। फर्स्ट क्वेश्चन है फिलिप्स का वॉज फाउंडेड बाई सर सैयद अहमद खान। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ये किसने चलाया था, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ये चलाया था रामास्वामी नायडू। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन द फर्स्ट वुमेन्स अपलिफ्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र लेड बाई, इसका है पंडिता रमाबाई।
The widow when his act was passed in, she और जो फिफ्थ वाला है देखो सती प्रथा को नियम वगैरह तो सब राजा रामभूषण राय ने बनाए थे लेकिन जो कानून बनाया था वो एबॉलिश द सती प्रथा वो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। लॉर्ड डलहौजी क्योंकि उस समय अंग्रेजों का राज था, ठीक है। अब तो कौन सती प्रथा को बैन किसने किया था? क्या राजा राममोहन राय ने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। लेकिन फॉल्स है। थर्ड ट्रू है, फोर्थ ट्रू है और जो फिफ्थ है वो भी ट्रू है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ मैच द कॉलम, मैच द कॉलम। राजा राममोहन राय को सती सी से मैच करिए, फर्स्ट वाले को सी से, सेकंड वाले को चाइल्ड मैच डी से, पेरियार पेरियार महाकास्ट अंबेडकर नहीं, पेरियार तो बेटा गलत हो गया है, पेरियार को द्रविड़ियन ई से करिए, और अंबेडकर को ए से करिए, महाकास्ट। देखो एक बार फिर से, सबसे पहले ए राजा राममोहन राय वन, इसको आप करिए सी से, लिख लीजिए फर्स्ट के सामने सी। ईश्वरचंद विद्यासागर इसको आप करिए डी से, ठीक है। अब थर्ड है पेरियार, पेरियार को आप ई से करिए, ई से। अंबेडकर महाकाल बी, और ज्योतिबा फुले ए, श्लोक आश्रम महाराष्ट्र। अभी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, हु वाज राजा राममोहन राय, ठीक है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है कि राजा राममोहन राय कौन थे, तो इसका आंसर आप लिखिए। राजा राम मोहन राय वाज अ Bengali education and against
ही फॉट अगेंस्ट सती प्रथा एंड चाइल्ड मैरिज एंड चाइल्ड मैरिज अगेंस्ट सती प्रथा एंड चाइल्ड मैरिज बचपन में जो शादियां हो जाती हैं उनके खिलाफ और सती प्रथा के अगेंस्ट। तो एक लेसन हमने आपको पढ़ाया आज और ये क्वेश्चन आंसर बता दूं, ये क्वेश्चन आंसर मैं मंडे को भी करवाऊंगी, तब तक आप इनको फेयर में लिख के लर्न कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो फिर आगे हम आपको और क्वेश्चन आंसर्स लिखा देंगे या अंडरलाइन करा देंगे तो आपको इजी पड़ेगा, ठीक है। तो आज तक के लिए हम इतना ही रखते हैं, मंडे को फिर पढ़ाएंगे। बाय, थैंक यू एंड खुश रहिए।